वरहमतुल्लाहि वबरकातु। जुमा का मुबारक दिन था आज और अल्हम्दुलिल्लाह आज तमाम मस्जिदों में जो है जो भी ये फाहश वीडियोस वायरल हुई पिछले दिनों में किश्तवाड़ में और इसके अलावा भी जो माशरे में बहुत ज्यादा बुराई जो फैली हुई है तो इस पे खुल के जो है आज बात हुई, दाद देनी पड़ेगी। काबिले तारीफ है हमारे मरकजी जामे मस्जिद किश्तवाड़ के इमाम साहब और बिलखसूस कारी मंजूर साहब बोनस्तान मस्जिद से, जो हर वक्त जो है जब भी माशरे में ऐसी चीजें आती हैं तो वो इस पे जरूर अपना रद्द पेश करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि गुनाह को अगर हम गुनाह समझेंगे तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा इस पे जरूर रोक लगेगी। अगर हम गुनाह पे जो गुनाह हो रहे हैं अगर हम उस पे तबसरा ना करें, अगर हम उस पे बात ना करें तो वो माशरे में जो है वो फैलती रहेगी। एक नुक्ता जो मुझे जहन में आया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, हालांकि चाहे हमारे गाँव है चाहे हमारे शहर है ये एक ही है, इसमें कोई किसी पे पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता गांव से जो लोग यहाँ पे शहर में आते हैं जो यहाँ पे किराए पे रहते हैं तो मैं उन माँ बाप से ज़रूर जो है ये मुखातिब हूँ और उनसे गुजारिशात भी कुछ हैं कि जब भी आप अपने बच्चों को यहाँ पे तालीम के सिलसिले में दूर दराज इलाकों से यहाँ पे भेजते हैं तो उनके साथ उनका वारिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनका वालिद जो है मुलाजमत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो उनकी वालिदा जो है अपने बच्चों के साथ यहाँ पे होनी चाहिए। अगर वो रेंटल एकोमोडेशन पे यहाँ पे रहते हैं या उनके मकानात हैं तो अपने बच्चों को जो है वो अकेले यहाँ पे ना छोड़ें, क्योंकि बहुत सारे इलाकों से सराउंडिंग हमारे अतराफ किश्तवाड़ के अतराफ में या किश्तवाड़ के शहर के बीचों बीच कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को जो है यहाँ पे अकेले छोड़ा हुआ है रेंटल एकोमोडेशन पे या मकानात में, तो वो जो है कहीं ना कहीं बड़ी बुराइयों में जो है वो इन्वॉल्व है। तो हम किसी इलाके को पॉइंट आउट नहीं करना चाहते हैं, चाहे लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं, मड़वा से, वोडवन से, दच्छन से, केशवान से, कुछाल से, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं, बहुत अखलाक वाले लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसी फैमिलीज जो हैं जो यहाँ पे आई हुई हैं और मैं जो है ये सख्त अल्फाज ज़रूर इस्तेमाल करूँगा और जिनका पेशा ही यही बन चुका है, क्योंकि लोग जानते हैं, लोग आज भी तबसरा कर रहे थे जुमा नमाज के बाद कि कुछ फैमिलीज़ यहाँ पे रह रही हैं रेंटल एकोमोडेशन पे, दूर दराज इलाकों से आते हैं और यहाँ पे जो है वो गंदी गंदी सोहबत में जो है वो इन्वॉल्व हो गए हैं। और इसके अलावा जो मकान मालिकान हुकूक रखते हैं जो रेंटल एकोमोडेशन पे कमर्शियल पर्पज़ के लिए देते हैं, तो उनको भी क्रॉस चेक जो है वो करना चाहिए। अगर वो महीने का 80,000-90,000 जो है किराया वसूल करते हैं तो उनको चाहिए कि वो CCTV वहाँ पे रखे, उनको चाहिए कि वो कोई वॉचमैन रखे जिसपे 5-10,000 रुपये खर्च करके और वो वॉच करे कि कहीं उसकी बिल्डिंग जो है वो किसी गलत चीज़ के लिए इस्तेमाल तो नहीं हो रही है। तो ये नुक्ता जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इस पे भी जो है अगर हम क्रॉस चेक करेंगे वार्ड वाइज, मोहल्ले वाइज और हमारी मस्जिद के अइम्मा हज़रात जो रात दिन इस काम में अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो है बात कर रहे हैं, तो ये भी अगर डिस्कशन हो जाए मस्जिदों में मोहल्लों में कि अगर हमने अपनी बिल्डिंग जो है वो किराए पे दी है तो हमें उसे ज़रूर क्रॉस चेक करना है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आए हैं, वो कर क्या रहे हैं। अगर वो यहाँ पे स्कूलिंग कर रहे हैं या वो यहाँ पे कॉलेज में पढ़ रहे हैं या इसके अलावा किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें ज़रूर ये क्रॉस चेक करना चाहिए कि कहीं वो कहीं गलत सोसाइटी में इन्वॉल्व तो नहीं है, कहीं वो गलत किसी काम में इन्वॉल्व तो नहीं है। और इसके अलावा मैं फिर मौतबाना गुजारिश करूंगा अतराफ के जितने भी यहाँ पे रेंटल एकोमोडेशन पे किश्तवाड़ सिटी में आते हैं पढ़ाई के सिलसिले में, मैं उनके वालदेन से गुजारिश करता हूँ कि अगर उनके वालिद साहब जो है वो तिजारत करते हैं, वो मुलाजमत करते हैं या वो और किसी पेशे से मुंसलिक हैं तो ज़रूर उनके साथ कोई ना कोई वारिस जो है उनको यहाँ पे साथ रखना चाहिए ताकि वो उसे क्रॉस चेक करें। तो इसके अलावा बाकी जो है ट्यूशन सेंटर्स के जो मालिकान हैं उनकी ज़िम्मेवारी बनती है, स्कूल के जो ओनर्स हैं उनकी ज़िम्मेवारी बनती है कि वो तरबियत के सिलसिले में सामने आए और खुल के बात करें बच्चों के साथ कि जो सोशल इविल्स चाहे वो ड्रग्स की शक्ल में है, चाहे वो प्रोनोग्राफी की शक्ल में है, चाहे वो और भी किसी सोशल इविल की शक्ल में है, तो वो बच्चों से खुल के बात करें और उन्हें बताइए कि सही रास्ता क्या है और गलत रास्ता क्या है। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।